हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए मीठी नीम या कड़ी पत्ते के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। कड़ी पत्ता क्यों इतना फ़ायदेमंद है और इसके क्या चौंका देने वाले फ़ायदे हैं, ये आप लोगों को आज इस वीडियो में पता चलेगा। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आप लोगों के लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो 6 बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसमें सबसे पहला बेनिफिट जो है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उनके ब्लड जो ब्लड शुगर है उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल में करता है, जिससे कि डायबिटिक पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और एक हेल्दी लाइफ ले सकते हैं अगर वो ये कड़ी पत्ते का प्रॉपर यूज करते हैं। नंबर सेकंड इसका क्या है मेन बेनिफिट, जो है कफ होने पे, कफ सूख जाने पे या फेफड़े के जमाव की स्थिति में भी यह कड़ी पत्ता बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए इसे पीस कर इसका उपयोग करें। नंबर थर्ड अगर हम बात करें तो आयरन और फॉलिक एसिड का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर एनीमिया जैसी बीमारियों से आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप में एनीमिया है या खून की कमी है, तो आप इसका अगर प्रॉपर यूज़ करेंगे तो उससे एनीमिया में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। चौथा अगर हम बात करें तो स्किन संबंधी रोगों में या मुहासे वगैरह हो जैसे हो जाते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए कड़ी पत्ते को आप प्रतिदिन सुबह खाएं और इसका पेस्ट बनाकर आप जो है मुहासे वगैरह में उपयोग कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ जो है, जो पांचों उपयोग है, वो बालों को घना, काला और मजबूत बनाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए नारियल तेल में कड़ी पत्ते को उबालकर उस तेल को बालों में अच्छी तरह से लगाएं और अच्छे से उसकी मालिश करें, जिससे आप लोगों के बाल काले, घने, चमकदार हो जाएंगे। और सबसे आखिरी, जो जिनमें डाइजेशन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पाचन संबंधी समस्याएं हैं, उसमें भी आप कड़ी पत्ते को पीसकर उसको छाछ में मिलाकर, मट्ठे में मिलाकर आप पी सकते हैं। यह पेट की समस्याओं को भी शांत करेगा और पेट के सभी दोषों का निवारण, या पेट वगैरह साफ नहीं होता या पेट में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है जनरल देखने को मिल जाती हैं आमतौर पर, तो उसमें भी आप कड़ी पत्ते को उबालकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों के जो पेट के संबंधी रोग हैं वो भी आप लोगों को काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो इन 6 पॉइंट्स को अगर हम एनालाइज करें तो हमने ये देखा कि कड़ी पत्ता हमें एक आयुर्वेदिक के तौर पर ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। इसके कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, और बल्कि इसका अगर हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो हमें इसके फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, कड़ी पत्ते का आप लोग नॉर्मल यूज़ कर सकें, डेली यूज़ करें और इससे आप लोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे उठाएं। कड़ी पत्ता होता किस तरीके से दोस्तों, वो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये मेरे घर पे लगा है। इस तरीके से मैंने गमले में इसको लगा रखा है। ये 50 रुपीज़ का पौधा मैं लेकर आया था, 6 से 7 महीने से ऊपर हो गया है और अब ये अच्छा खासा पेड़ हो गया है। मैंने इसकी कटिंग प्रॉपर की है और अब ये मेरे डे टू डे लाइफ में प्रॉपर यूज़ हो रहा है। मैं इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग करता हूँ। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो कड़ी पत्ते का जो पेड़ होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा तीखी स्मेल आती है, तो वो सबसे बड़ी इसकी पहचान है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये कड़ी पत्ता मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप लोग भी इसका उपयोग करें और आप लोगों को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, कैसा इसने इम्पैक्ट किया आपकी लाइफ में, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द इसी तरह की बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के बीच में फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।